अर्जुन रामपाल की नई फिल्म का पोस्टर हो चुका है रिलीज। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं गूगल बॉलीवुड। दोस्तों, अर्जुन रामपाल जो अपनी बेस्ट एक्टिंग स्किल्स के लिए जाने जाते हैं, अब काफी समय के बाद बड़े पर्दे पे आपको नजर आएंगे, क्योंकि वो फिल्म लेके आ रहे हैं जिसका नाम है द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव, जिसमें इतिहास को दिखाया जाएगा। इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अर्जुन रामपाल का कहना था कि इस स्क्रिप्ट को ना करने की कोई वजह ही नहीं थी। इतनी अच्छी स्क्रिप्ट और इतनी अच्छी डायरेक्शन की है रमेश थेटे ने और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं इस फिल्म को लेकर। इस फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो ऑफिशियली रिलीज डेट अभी नहीं अनाउंस की, लेकिन अंदाजा यही है कि 2021 में इस फिल्म को रिलीज कर दिया जाएगा। फीमेल लीड्स की बात करें तो सनी लियोनी इसमें नजर आएंगी और दिगंगना आपको इसमें बहुत अच्छे रूप में नजर आएंगी, ये मानना है रमेश थेटे का। अर्जुन रामपाल की बात करें तो वो कहते हैं कि हिस्टोरिकल फिल्म करके उनको काफ़ी मज़ा आता है और हिस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी है आज की जनरेशन के लिए, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री को नहीं जान पाओगे तो आप हिस्ट्री क्रिएट नहीं कर पाओगे, ये कहते हुए भी नज़र आए अर्जुन रामपाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और अर्जुन रामपाल की ये फिल्म के बारे में आपको बता दें, ये रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे बेस्ड होगी और इस तरीके का मैसेज छुपा होगा इस फिल्म में जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि अर्जुन रामपाल खुद हैरान हो गए थे इसकी स्क्रिप्ट पढ़ के। और उनका मानना है कि बहुत डीप मैसेज होगा इस फिल्म में और ये सोसाइटी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने ये फिल्म की है। अर्जुन रामपाल की बात करें तो वो जाने जाते हैं अपनी एक्टिंग स्किल्स और अपनी स्क्रिप्ट चूजिंग के लिए, यानी अपनी स्क्रिप्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से चूज़ करते हैं, क्योंकि अर्जुन रामपाल ने काफ़ी हिट पिक्चर्स दी हैं और उनकी स्क्रिप्ट्स काफ़ी दमदार रही हैं। अब देखना यही बाकी है कि क्या ये वही फिल्म थी जिसका अर्जुन रामपाल को इंतज़ार था और क्या मैसेज होगा इस फिल्म में। फिलहाल इसका पोस्टर सबके सामने आ चुका है, इसकी न्यू लुक सबके सामने है। आप इस लुक को देखें और बताएं किस तरह के लग रहे हैं अर्जुन रामपाल और किस तरह की लग रही है आपको ये लुक। तो दोस्तों, और बॉलीवुड अपडेट्स के लिए देखते रहेगा मुझे यानी अभिषेक को और बूगल बॉलीवुड को।